विद्या एजुकेशन सोसाइटी की ओर से प्रधान विजय पासी की अध्यक्षता में MBA की छात्रा को 5,000 रुपए की राशि बतौर छात्रवृत्ति दी गई, ताकि वे अपनी शिक्षा को अच्छी तरह से पूर्ण करें। पिछले 25 वर्षों से जरूरतमंद परिवारों की सहायता पर जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को गोद लेकर उन्हें शिक्षा देने की कार्य विद्या एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है, जो एक सराहनीय कार्य है। विद्या एजुकेशन सोसाइटी, जो कि हमेशा ही महिला उत्थान के लिए कार्यरत रहती है, विद्या एजुकेशन सोसाइटी का गठन आज से कोई 35 साल पहले हुआ था, लड़कियों की शिक्षा के लिए। हम कोई पिछले 35 साल से लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम हर साल 6 बच्चों को, लड़कियों को अडॉप्ट करते हैं, जिनकी पढ़ाई का टोटल खर्चा हमारी दो मेंबर ईशिता कोहली और पिंकी कोहली के सहयोग से कर रहे हैं। बाकी जितनी भी बच्चियाँ हमें अप्रोच करती हैं, हमारी शर्त सिर्फ यही है कि उनके मार्क्स 65% होने चाहिए। ऐसे सभी बच्चियों को हम स्कॉलरशिप देते हैं। हम उनके ऊपर कोई आसान नहीं कर रहे, हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको स्कॉलरशिप देते हैं, और उनसे एक ही आशा रखते हैं कि जब वो बड़ी होकर किसी काम पे लग जाए, वो इसी प्रकार एक एक बच्ची को अडॉप्ट करके उनकी शिक्षा दें, ताकि पठानकोट में कोई भी लड़की पैसे की वजह से शिक्षा से वंचित न रहे। क्योंकि हमारे समाज में अभी भी लोग, जो लोग कम अफोर्ड कर सकते हैं, वो लड़कों को तो एजुकेट करते हैं, लड़कियों को नहीं एजुकेट करते। तो विद्या एजुकेशन सोसाइटी का गठन ही इसलिए हुआ था। तो हम जो लड़कियों को अडॉप्ट करते हैं, वो बहुत ब्रिलियंट होती हैं, जो 6 बच्चे हम अडॉप्ट करते हैं। जब बच्चे को किसी काम पे लग जाते हैं या और भी अच्छे मार्क्स लेते हैं, एक तो हमारा मन भी बहुत खुश होता है, एक वो जहाँ हमारी सोसाइटी का नाम आगे लेके जा रहे हैं, वहीं अपने पेरेंट्स का नाम भी आके लेके जा रहे हैं। जहाँ विद्या एजुकेशन सोसाइटी बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, जो विडोज लेडीज होती हैं उनको राशन देती है, लड़कियों की शादी के ऊपर राशन देती है, स्कूलों कॉलेजों में जाके ट्रैफिक सेमिनार लगाती है और उन लड़कियों के ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाती है। क्योंकि लड़कियों को कम पता होता है कि कहाँ पर लाइसेंस बनता है, ये सारे काम विद्या एजुकेशन सोसाइटी अपने मेम्बर के सहयोग से कर रही है। मैं अपने मेम्बर का बहुत आभारी हूँ जो हमें सहयोग करते हैं। जय हिंद। विद्या एजुकेशन सोसाइटी, जो कि पिछले 35 साल तो बच्चियों की एजुकेशन के वास्ते लगी हुई है, उसे लड़ी दे विच आज एक इंटेलिजेंट लड़की को स्कॉलरशिप दी गई है। विद्या एजुकेशन सोसाइटी जिथे कि बच्चे एजुकेट करती है, उसके नाल नाल ही स्कूलों कॉलेजों में जाके ट्रैफिक सैमीनार लगाती है, बच्चियों के खुद फॉर्म भर के उन्होंने ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनवाती है, विडोज लेडी राशन दी है, विडोज लेडी सिलाई मशीन दी है। ये सारे का सारा जो काम है विद्या एजुकेशन सोसाइटी अपने मैंबर के सहयोग न कर रही हैगी है। असं पठानकोट के जिहड़े सरमाएदार लोग है, उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार अपील करते हैं, तुम भी विद्या एजुकेशन सोसाइटी वांग एक एक बच्ची को अगर अडॉप्ट करोगे तो यह बच्चियां पढ़ लिख जाएगियां, एक तुम्हें बाद आशीर्वाद देनगियां, और ये बच्चियों को अं सिर्फ एको चीज़ एक्सपैक्ट करते हैं कि बच्चियां जो पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़िया हो जाए तो यह विद्या एजुकेशन सोसाइटी याद रखन, तो उन्होंने वाग ही अगे भी चेन बरकरार रखन। जय सिटी पठानकोट अध्यक्ष श्री पासी जी, उन्होंने अज एक प्रोजेक्ट इतने किया है। एक बच्ची है जो MBA की पढ़ाई कर रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उन्होंने अब स्कॉलरशिप जी है विद्या एजुकेशन सोसाइटी वालों दी गई है। सो विद्या एजुकेशन सोसाइटी लड़कियों के उत्थान वास्ते हर तरह के प्रोजेक्ट जी है वो कर रही है, वो भावें ड्राइविंग लाइसेंस बनाता हो, स्कॉलरशिप का हो, विडो सहायता देता हो, लड़कियों की शादी कराता हो। तो हर प्रोजेक्ट जड़ा लेडीज़ वास्ते खासकर विद्या एजुकेशन सोसाइटी जिहड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो मैनू पठानकोट के लोगों अगे ये बहुत एक समझ लो मेरे वालों अपील है कि वह भी अगे आन, तो ये जिहड़ियां बच्चियां ने, जिहड़ियां इंटैलीजेंट बच्चियां ने, देश का भविख ने, उन्होंने जिहड़ी है माली सहायता देन, ताकि ये बच्चे अगे जाके वड्डियां पोस्टां ते ऑफिसर बनन, वड्डे बिजनेसमैन, कुछ भी यानी कि हायर पोस्ट ते लगन, ते
फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।